देखिए अभी जो टॉपिक डील रहा हूँ ये मेनली टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स का रेडियो एक्टिविटी का है, वहाँ पे इसको लूँगा। बट जानते हैं कि फर्स्ट रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना पड़ रहा है, बट मेनली इस पर फिजिक्स में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसका पहला कैटेगरी है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। एक रहेगा सीरीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक मैं ऐसे दिखा रहा हूं, वन ऑफ द कैटेगरी, और दूसरा कैटेगरी है, तब आप बातों को ज्यादा समझ पाइएगा। ये दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब ए गिव्स बी एंड सी, ये भी तो भी यहाँ पढ़िएगा, ए गिव्स वहाँ पे, ए गिव्स देन व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए डिफरेंस ये है कि इस केस में ए का वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बी एंड सी, बट इस केस में जो मॉलिक्यूल बी देगा वो सी नहीं देगा, जो मॉलिक्यूल बी देगा वही मॉलिक्यूल सी नहीं देगा, और जो सी देगा वो, तो इसका बी और सी दोनों का एक एक मॉलिक्यूल बनने के लिए इसका दो मॉलिक्यूल खर्च होना पड़ेगा। समझ में आया? इसका मतलब जो बी के रास्ते में गया वो सी के रास्ते सी नहीं दे पाएगा, बट इस केस में इसका एक ही मॉलिक्यूल बी एंड सी दोनों देगा। इसका दोनों का एक एक मॉलिक्यूल चाहिए, तो उसके लिए इसका कितना मॉलिक्यूल खर्च होगा? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी ए एंड बी। तो जो ए कैटेगरी है इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में दोज मॉलिक्यूल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बी कैन नॉट गिव सी, और जो सी के रास्ते पर जाएगा एक एक कंपाउंड वो फिर बी नहीं दे पाएगा। दूसरा डिफरेंस है कि जब इसका रास्ता ही अलग अलग हो गया, करेक्ट, तो इसका बनने का रेट कांस्टेंट भी अलग रहेगा, इसका के वन रहेगा, इसका दोनों रास्ते का रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग ना, सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। बट इसमें बी और सी के लिए रेट कांस्टेंट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, दूसरा डिफरेंस, करेक्ट। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस और किस कैटेगरी को हम लोग पैरेलल, कैटेगरी ए को हम लोग क्या नाम देंगे? मैं लिखवा दूंगा इसको, लैंग्वेज दे दूंगा थोड़ा सा एक लाइन का। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेट कांस्टेंट के वन फॉर व्हाट, रेट कांस्टेंट के वन फॉर व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए, एंड रेट कांस्टेंट के टू फॉर व्हाट? बट मैं आपसे पूछूंगा रेट कांस्टेंट फॉर ए, नहीं समझे, बी और सी को साइलेंट कर दिए, रेट कांस्टेंट फॉर, तो उसको बोलेंगे ओवरऑल रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? के इक्विवेलेंट। क्या नाम दिया जाएगा? के इक्विवेलेंट। बात समझ में आया? ओके, बट यहाँ पे के इक्विवेलेंट निकालने का रिक्वायरमेंट है नहीं है, क्योंकि इसी का के है पूरा, राइट। इस केस में बी का वाले रास्ते के लिए एक रेट कांस्टेंट अलग, सी वाले रास्ते के लिए रेट कांस्टेंट अलग, और ओवरऑल रेट कांस्टेंट कुछ और रहेगा जो निकालेंगे। तो एक लाइन नीचे लिखी, तो
रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड द रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट पाथ आर कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन. Therefore, category A is the example of parallel first order reaction. यहाँ तक बातें समझ में आ गया? ओके. एक और नीचे पॉइंट लिखिए. इन पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन by same molecules या by one of the molecule, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, बातों को समझ पाएगा. by one of the molecule we cannot get B and C. एक molecule से B और C नहीं मिलेगा. जिस molecule से B मिलेगा तो दूसरे molecule से C मिलेगा. molecule same type का ही रहेगा, but number wise those producing B cannot produce C. तो मैंने क्या लिखा? By one of the molecule we cannot get B and C. मतलब B के लिए अलग molecule खर्च होगा तो C के लिए, but उस example में एक ही molecule से B और A, तो क्या हो गया? Just mole concept हो गया. इसका एक mole से कितना? इसका एक mole, इसका सेम, बट इसका एक mole से इसका एक molecule बनेगा. इसका एक एक mole बनने के लिए इसका एक mole खर्च होगा या दो mole खर्च होना पड़ेगा? दो mole खर्च होगा, करेक्ट है. चलिए अब बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा हूँ तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन मीन करूँगा, राइट? और यहाँ पे बी का या सी का कोफिशियंट मैं कितना लिया हूँ, इस बात को माइंड कीजिएगा. कितना लिया है? वन. इज इट कंपल्सरी ऑलवेज वन रहेगा? नहीं रह सकता है. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी बी बाई डी टी. प्रोडक्ट है ना, तो प्लस रहेगा. और यहां देखिएगा रेट, और इसको हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ भी बोलते हैं, पहला क्लास में ही सिखा रहे थे. तो कोफिशियंट, बिकॉज कोफिशियंट बी का वन है, तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा. बट क्या ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है? ये बी वाले पाथ का सिर्फ है. ए से ये एक के रेस्पेक्ट में ओवरऑल रहेगा या सिर्फ ए से बी वाला पाथ का है? तो क्या इसको और कोफिशियंट यहाँ पे वन है, तो यही इसी को क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी बना दिया जाए? बट रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसका रहेगा? ए से बी वाले पाथ का. दो पाथ हो गया ना भाई, ए से बी का अलग पाथ और ए से सी का. इस पाथ का रेट कॉन्स्टेंट केवन, इस पाथ का रेट कॉन्स्टेंट. तो बी के टर्म में अगर चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा या सिर्फ इस रास्ते का रेट ऑफ रिएक्शन? इस रास्ते का. क्या इसको ऐसे लिख दिया जाए? ये कौन सा लॉ? डिफरेंशियल रेट लॉ. तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे इस रास्ते का, तो कॉन्सेंट्रेशन ए का लेंगे, लेकिन इस ए में रेट कॉन्स्टेंट किसका लेंगे? उस रास्ते का लेंगे. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने क्या किया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कंबाइन कर दिए हैं. वैसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के लिए क्या लिख सकते हैं? डीसी बाई डी टी. बट बिकॉज यहां पे सी का कोफिशियंट वन है, तो यही मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ए से सी वाले रास्ते का हो जाएगा. तो क्या इसके लिए के टू इंटू ए के पावर वन लिख सकते हैं? सही है. चलिए अब बोलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ
तो इस केस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? बोले सेम रहेगा, आया ना, ये कोफिशियंट वन है, बट इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इन दोनों के रेट ऑफ फॉर्मेशन के सम के बराबर रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जब घट रहा है तो ये और ये दोनों बन रहा है, राइट? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू क्या ही लिखा जाए, माइनस डी ए बाई डी टी, बट ए रेट इस रास्ते का रहेगा, इस रास्ते का रहेगा, इस रास्ते का, इस रास्ते का, या ओवरऑल रहेगा? यहां रहेगा, करेक्ट। तो यहां पे इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन के टर्म में लिखे तो के वन यूज करें, के टू यूज करें, या ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट के इक्विवेलेंट, समझ गए? चलिए भाई, अब आप मुझे ये बताइए कि पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ निकालना रहेगा, तो हाफ लाइफ किसका है? ए का ना, बी और सी तो प्रोडक्ट है, तो हाफ लाइफ निकालने के लिए के वन यूज करें, के टू यूज करें, या के इक्विवेलेंट यूज करें? के इक्विवेलेंट यूज करेंगे, सही है। तो टी हाफ के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे सर? 0.693 बाई, बस अब के इक्विवेलेंट बता दीजिए, काम खत्म। नहीं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? यहाँ देखिएगा, बात मत कीजिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अब प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अब तो मुझे लगता है कि मार्च लास्ट तक ही जेई मेन का चांस है, ये बात गुड साइन है आप लोग के लिए तैयारी करने का। तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगा इस बार। नहीं होगा, वो लोग भी तो समझेंगे बात को, एक बार इतना प्रेशर नहीं देंगे आप लोग को। बोर्ड का तो अभी निकला ही नहीं है, नोटिस आया है कुछ? तो अचानक से तो नोटिस नहीं आ जाएगा, खुद तो टाइम दिया जाएगा, इसलिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है रिविजन करके बैठने का, और रिविजन करके बैठेगा तो कहाँ काम अच्छा हो जाएगा। तो सर बाकी लोग को भी तो मिलेगा, तो बाकी लोग जो दो साल से इस तरीके से नहीं पढ़ रहे होंगे वो एक महीने में क्या कमाल कर देंगे, आप इतना मैकेनिज्म के साथ जो चीज़ें सीख रहे हैं। और आप लोग के भी गुड साइन है, ड्रॉपर बच्चे जो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, अभी होता तो थोड़ा हेडक था, बट अभी मौका मिल रहा है। चलिए यहाँ देखिए, इस केस के लिए क्या लिख सकते हैं? के इक्विवेलेंट ए के पावर वन, और इसके लिए क्या लिखिएगा? के वन इक्विवेलेंट ए के पावर वन और प्लस के टू इक्विवेलेंट ए के पावर वन, ए और ए कैंसिल, इसका मतलब के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया? के वन प्लस के टू, ठीक है, के इक्विवेलेंट इक्वल टू के वन प्लस के टू। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा, यह है रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी, फॉर्मेशन ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइड करने से? के वन बाई के टू, और के वन बाई के टू ये तो कांस्टेंट हो गया ना, यहाँ से क्या मिला कि सर एक रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी किस टाइम का? एनी टाइम का लिए थे, और उसमें ए जो वेरिएबल था वही गायब हो गया, इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी ऑल द टाइम क्या रहेगा? उसका रेशियो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, के वन बाई के टू के बराबर रहेगा, करेक्ट। चलिए हटाए,
देखिए तो भाई ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू व्हाट, के वन ए डी टी, ये लिख सकते हैं ना, जीरो से टी, जीरो से ऐसा क्या, टी को जीरो तो प्रोडक्ट है ना, जीरो बना हुआ था, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ बी एट एनी टाइम टी, अमाउंट ऑफ बी एट एनी टाइम टी। सर इसका इंटीग्रेशन तो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ए का एक्सप्रेशन मुझे नहीं पता है, लेकिन ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा था राइट, इतना तक लेकिन लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेट अमाउंट ऑफ सी एट एनी टाइम टी के लिए क्या ये लिख पाएंगे, या दोबारा इसको दिखाना पड़ेगा, सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ बी एंड सी, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ बी एंड सी एट एनी टाइम टी के लिए क्या लिखेंगे, सर के वन इंटीग्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो से टी, के टू इंटीग्रेशन ऑफ ए जीरो से टी, एग्री, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं बट ए तो डैम श्योर है, ए ब्रैकेट जो भी आएगा सेम रहेगा, तो बिना इंटीग्रेशन करके वो कैंसिल कर सकते हैं राइट, तो बचेगा क्या, इसका मतलब बी का अमाउंट और सी का अमाउंट का रेशियो कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, और किसके बराबर रहेगा, तो के वन, जिसका के वन ज्यादा उसका अमाउंट ज्यादा, जिसका के वन ज्यादा उसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, करेक्ट। अब उसी में पूछा जाएगा फ्रैक्शन ऑफ बी एल्ड ऑफ बी, फ्रैक्शनल एल्ड ऑफ बी एट एनी टाइम टी, तो फ्रैक्शनल एल्ड ऑफ बी का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्ट, मतलब बी बाई बी प्लस सी, बी बाई या परसेंटेज ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ एल्ड ऑफ बी मतलब बी बाई टोटल प्रोडक्ट इंटू 100। तो भाई यहाँ से ही क्या नहीं निकल जाएगा, ए वैल्यू अगर मुझे चाहिए b बाई बी प्लस सी क्या निकाल पाएंगे, कितना होगा, के वन बाई के वन प्लस के टू, सही बोले हैं गलत बोले हैं, सही है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, ये टू बाई थ्री रहेगा तो के वाई एक्स प्लस वाई कितना लिखते हैं, 2 बाई टू प्लस थ्री राइट, तो के वन बाई के वन प्लस के टू, ऐसे क्या बोलिएगा, पढ़िएगा फ्रैक्शनल एल्ड ऑफ बी, देख लीजिए फ्रैक्शनल एल्ड ऑफ बी, इल्ड मतलब प्रोडक्ट, तो सारा प्रोडक्ट था बी एंड सी, उसमें सिर्फ बी का फ्रैक्शनल वैल्यू, तो बी बाई बी प्लस सी मतलब के वन बाई के वन प्लस के टू, इसको लैंग्वेज बना लीजिएगा, ये क्या है फ्रैक्शनल एल्ड ऑफ वी, चलिए
अब लिखिए तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ E1 एंड E2 इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी एंड द फॉर्मेशन ऑफ सी, इफ E1 एंड E2 दो अलग अलग पाथ है ना भाई, तो दोनों पाथ का सेम एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा या अलग अलग रहेगा, तो उस केस में ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी अगर एक रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, इफ E1 एंड E2 इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी एंड द फॉर्मेशन ऑफ सी रेस्पेक्टिवली, देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ए, देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज गिवेन बाई, ए किसका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल मतलब किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ ए, तो ए से तो दोनों मिलेगा बी एंड सी, तो ये हो गया ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू K1E1 प्लस K2E2 और डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, इस पे ऑब्जेक्टिव आने का चांस रहेगा। याद रहेगा, इसको रट जाइएगा, प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। सही है, तो नेक्स्ट बना लीजिए। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था कि जैसे ही हम लोग यहाँ देखिए dB/dt ये तो रेट ऑफ फॉर्मेशन था बी के रेस्पेक्ट में, बट इसको रेट ऑफ रिएक्शन बनाएंगे तो ये लिखेंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे K1A है या ना, और आपको निकालना क्या था B/C का अमाउंट, तो जैसे यहाँ पे बी लिखिएगा 2K1A dt आ गया होगा नहीं डेरिवेशन, वैसे ही सी लिखिएगा तो सी का कोफिशियंट तो 1 था, तो यहाँ पे क्या नजर आएगा ए इंटीग्रेशन आया होगा, और जब B/C का रेशियो निकालेंगे यहाँ से तो इसलिए डेरिवेशन देखना चाहिए भाई, ठीक है, तो क्या भाई वैल्यू क्या रहेगा K1/K2 या 2K1/K2 यहाँ देखिए स्टूडेंट
आप लोग ट्राई करेंगे मैं सॉल्व करूं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट बी वाई सी इक्वल टू अगर डायरेक्ट बोला जाए तो क्या फोर के वन बाई के टू लिख सकते, फोर के वन बाई थ्री के टू लिख सकते हैं? यहाँ देखिए तो ए वैल्यू तो पता है और के वन दिया हुआ है, के टू निकल जाएगा और के टू निकल जाएगा तो के इक्वलेंट के वन प्लस के टू, के इक्वलेंट क्या रहेगा? इस रास्ते का के वन अलग था, के वन था ना, के टू था, राइट? तो के इक्वलेंट निकाले कितना है, के वन का वैल्यू तो के वन कितना है टू इंटू टेन टू माइनस थ्री और के टू भी तो निकाले होंगे 1.5 इंटू टेन टू आवर माइनस थ्री तो कितना हो जाएगा 3.5 इंटू टेन टू आवर सेकेंड है तो हाफ लाइफ इक्वल टू व्हाट 3.5 इंटू ऊपर चला जाएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो मिनट में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो 60 से डिवाइड करके मिनट डायरेक्ट बना दें, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? मुझे लगता है 3.3 मिनट आना चाहिए। यस सर, तब कैलकुलेशन ठीक रखिए। चलिए क्वेश्चन में थर्ड देख लीजिए। जितना भी बच्चे यहाँ पे हैं केमिकल काइनेटिक्स का हार्ड कॉपी असाइनमेंट कलेक्ट कीजिएगा जाते टाइम, पैसा नहीं भी रहने से कमिंग क्लास में आकर दे दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इन हार्ड कॉपी लीजिएगा, मोबाइल वाला सिस्टम नहीं, वो तो बहुत एडवांस सिस्टम तो मोबाइल पे से देख के बनाइए। ले हाँ होम असाइनमेंट ले कर रख लीजिए, जब भी मौका मिलेगा बनाते रहिएगा, और आप लोग को तो बना ही लेना चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या थर्ड बन जाएगा भाई?
अब यहाँ देखिए आंसर आ जाएगा, बताओ शाम को सुनिए थर्ड हो गया ना। देखिए जो सीरीज रिएक्शन का जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम, यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये प्रॉब्लम ईरोडॉप का मॉडर्न फिजिक्स का एक प्रॉब्लम है जिसमें एक अच्छा खासा कैलकुलेशन इंटीग्रेशन आता है, वो मैं सॉल्व करता हूँ क्लास में, बट यहाँ पे उसका सिर्फ रिजल्ट याद रखने से आपका काम चल जाएगा। तो और इसमें केमिस्ट्री का पॉइंट पूछा जाएगा बट इसका कैलकुलेशन मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे। ये दोनों सेक्शन मॉडर्न फिजिक्स का थ्योरी है, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज फर्स्ट ऑर्डर में होता क्या है कि ए से बनेगा बी, क्या बनेगा, अब बी से बनेगा सी, और सी से क्या बनेगा डी, एंड डी से क्या बनेगा ई, एंड सो ऑन। ये कुछ ऐसा होता है ना कि यूरेनियम से स्टार्ट हुआ रेडियो एक्टिविटी, राइट, और यूरेनियम से स्टार्ट होकर बेरियम पे आके कांस्टेंट हो रहा है टूटते हुए, तो चार पांच स्टेप में हो रहा है, यूरेनियम से कुछ और बना, फिर कुछ और बना, कुछ और बना, और उसका रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना का तीन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी सीरीज है, एक है आर्टिफिशियल 4n 4n प्लस 1 4n प्लस 2 प्लस 4n प्लस 3, एक थ्योरी है जो इस पर ऑब्जेक्टिव आता है रेडियो एक्टिविटी में, तो वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो इसमें का मेन सोर्स कौन था, बी पहले आपके पास था, और इसका मान लेते हैं रेट कॉन्स्टेंट के वन, इसका रेट कॉन्स्टेंट के टू, इसका रेट कॉन्स्टेंट के थ्री, इसका रेट कॉन्स्टेंट K4 एंड सो ऑन। और जिसका नाम यहाँ पे K1 K2 K3 बोल रहे हैं उसी का वहाँ पे नाम बोल देंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2, और नाम दे देंगे डीके कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, यहाँ पे बोल रहे हैं रेट कांस्टेंट, बात तो एक ही है, राइट। तो देखिए ए को अगर मेन सोर्स कहाँ, ए, तो आप करेंगे क्या कि टी इक्वल टू जीरो पे इसका सी नॉट लेंगे, क्या लेंगे, तो इसका सिर्फ डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका सिर्फ क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ए का सर्टेन अमाउंट लेकर छोड़ दिए, बी के रेस्पेक्ट में सोचिए तो बी का प्रोडक्शन भी हो रहा है इस रास्ते से, अब बी का डिकम्पोजिशन भी हो रहा है इस रास्ते से, राइट। तो यहाँ देखिए इस टाइप का सिचुएशन जहाँ पे डिकम्पोजिशन भी हो रहा है और प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो कभी भी डिकम्पोजिशन प्रोडक्शन से ज़्यादा होगा, जब इनिशियली टी इक्वल जीरो पे जीरो था, तो कभी भी डिकम्पोजिशन प्रोडक्शन से ज़्यादा हो पाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं, तो डिकम्पोजिशन किसका होगा, कॉमन सेंस की बात है, राइट। तो उस केस के लिए, तो यहाँ पे इसके लिए भी ये हो रहा है इसका यहाँ से, तो यहाँ पे तब आपसे पूछेंगे, यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा, इसको क्या पढ़िएगा सर, इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, बट dBdt को क्या पढ़िएगा, नहीं बोल सकते हैं, dBdt को आप रेट ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ तब बोल पाते जब यहाँ से कुछ नहीं आता, सिर्फ बनते रहता, नहीं समझे बात को, dBdt यहाँ पर सिर्फ क्या है, चेंज ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। अब इसमें dBdt कुछ ऐसा बात हो रहा है, कि 10 रुपया आ रहा है और 8 रुपया जा रहा है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ 10 रुपीज पर सेकेंड आ रहा है और 8 रुपीज पर सेकेंड जा रहा है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ रुपीज पर सेकेंड दो कैसे कर दिए, बहुत सिंपल था सर, 8 आया 10 आया 8 गया, 2 ही बचा ना पर सेकेंड, तो क्या यहाँ पे ये बोलेंगे कि यहाँ पे रेट ऑफ इनकमिंग इक्वल टू 2, रेट ऑफ इनकमिंग इक्वल टू क्या बोलेंगे 10 ना, रेट ऑफ इनकमिंग, लेकिन ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि
एकदम बिल्कुल ओवरऑल बचत इक्वल टू 10 नहीं, ये हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट हो गया डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे जो रहा वो क्या रहा, वो तो वही तो ओवरऑल रहा। सुपड़े बोलेंगे चेंज ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट रहेगा, प्रोडक्शन का भी और डिकम्पोजिशन का भी। बात समझ में आया? इसलिए ऐसा नहीं कि सर इसमें माइनस लगा देंगे, यहाँ देखिएगा इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिए, पहला तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करने से पहले कन्फ्यूज होंगे माइनस किसके लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए है, इसके लिए दो एरो है। आप तो समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसी बात में कन्फ्यूज होंगे सर प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, इधर जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, इधर से सोचेंगे तो प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मत लगाइए, यहाँ पे सिर्फ डी बाई डी टी लिखिए, इसको पढ़िए चेंज ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के लिए हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी और माइनस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी। और जो बी का डिकम्पोजिशन का रेट बनेगा वही तो सी का प्रोडक्शन बनेगा। बोलिए हाँ करेक्ट ना। तो भाई यहाँ देखिए, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या ये बोल सकते हैं? ये क्या है, ये के वन इंटू ए क्या है बोलिए, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, इसका रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, और के टू इंटू बी क्या है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी, और जो रे करेक्ट, तो ओवरऑल क्या रहेगा, और जो इसका रेट, इसका जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है वही तो बी का प्रोडक्शन है। तो क्या इसके लिए लिख सकते हैं के वन ए माइनस के टू बी, के वन ए माइनस के टू बी। सिमिलरली डी सी बाई डी टी के बदले क्या लिख सकते हैं, तो डी सी बाई डी टी इक्वल टू व्हाट, ए चेंज ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए क्या रहेगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी और माइनस रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सी। और रेट ऑफ डिसोसिएशन का मतलब सिर्फ ए ए पाथ करेक्ट, तो क्या लिख सकते हैं के टू बी और माइनस के थ्री सी, के थ्री बी, हाँ के थ्री सी एंड सो ऑन कर दे। या चलिए सर एक और लिख लेते हैं, के थ्री सी और माइनस के फोर डी, अब इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन रहता है कि एट इक्विलिब्रियम व्हाट द कंडीशन फॉर सीरीज रिएक्शन फॉर इक्विलिब्रियम, एक मिनट, क्या कंडीशन, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये फ्रिक्वेंटली नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है इसमें। तो भाई इसके लिए तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं होगा करेक्ट। बोले क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर सर कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट टाइम के साथ क्या होता है कांस्टेंट, तो ए का अमाउंट कभी कांस्टेंट होगा या घटते हुए चला जाएगा, बट बी का अमाउंट कांस्टेंट हो सकता है। बोले कब, यहाँ देखिए भाई एक बॉक्स है इसमें 50 रुपया जमा हो गया, अब 10 आ रहा है और 10 जा रहा है, क्या रहा है 10 आ रहा है। किसी कंपनी का ग्रोथ रेट जब स्टार्टअप रहता है तो बहुत हाइप लेता है, पर जब कंपनी बड़ी होती चली जाती है ना, बल्कि हो गया तो बहुत स्लो ग्रोथ होता है, इस तरीके से जनरली ऐसा होता है। क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है, खर्च बहुत कम रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम रहता है और प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आता है, कम आदमी में ज़्यादा काम चला लिए राइट, सबके अंदर जोश रहता है बढ़ाना है काम को, आगे लाइफ में जाना है, तो कहीं ना कहीं टाइम के साथ हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन शुरू में मैं खुद ही जाके लिफलेट तक भी बरवा के बाद कितना बार बांटा हूँ,
कोई पहचान थोड़े रहा था इनिशियल में, राइट? हाँ, हम और एक कुणाल जाए भैया सब बाइक उठाए चल दिए, अब भीड़ है, अभी वो सिस्टम नहीं है, अभी वो चीज़ नहीं नजर आता है। पहले इस यही एक पब्लिसिटी का बहुत बड़ा माध्यम था, लिफलेटिंग। तो एकदम हम लोग मतलब बच्चे के पास इतना इतना हो जाता था और सब बोल रहे निकलते ना लगे ना लगे, प्लीज़ ले लो देख लेना, और ले जाके वहाँ पे फेंक देता था, कोई बात नहीं है। तो मतलब वो बहुत एक जोश रहता था बांटने का कि लिफलेट बंटवाना है, वो एक अलग माहौल रहता था मार्च में, पूरा एग्ज़ाम का सीज़न, और सारे कॉलेज में वगैरह में खड़ा होकर, अब भीड़ है तो अगर नहीं है कम आदमी है तो आप भी बांट दीजिए, भीड़ में कौन देखने जा रहा है, जो देखने भी जा रहा है तो कोई बात नहीं है। तो मतलब उसमें कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो मुझे मेरे पास जो पढ़ता था वो स्टूडेंट मिल गया, सर लाइए मैं भी बांट देता हूँ, सब मिलकर इंजॉय कर लिए, तो वो एक अलग सफ़र था, उसमें और भी अच्छा लगता था। यार वो सब चीज़ थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, टाइम भी नहीं मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, तो एक्चुअल में इक्रुबियम जो टर्म है वो एक लिए यहाँ पे यूज नहीं होगा, बट टेक्निकली हम लोग यहाँ पे जो इस सीरीज डेफिनेशन इक्रुबियम जो बोलते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर अचीविंग द इक्रुबियम, वो बी सी डी बाकी के लिए बोलते हैं, फर्स्ट और लास्ट के लिए नहीं बोलते हैं। फर्स्ट और जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ख़त्म होगा वो तो ऑलवेज चेंज होते रहेगा, बीच वाले के लिए बोला जाता है, जो बीच का प्रोडक्ट है, लाइक बीच मान लेते हैं कि मेरा एंड प्रोडक्ट जी है, तो इसके लिए इक्विबियम नहीं टर्म यूज होता है यहाँ पर टेक्निकली, इसके लिए इंटरमीडिएट। तो उस टाइम पे एक टाइम ऐसा भी हो सकता है ना कि जितना बी बन रहा है उतना ही बी से ख़त्म हो रहा है, तो बी का अमाउंट जितना है वो टाइम के साथ क्या नजर आएगा, कॉन्स्टेंट। तो एट इक्विबियम पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये था यहाँ पे क्या था, अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज क्या होता है, जीरो होता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या बोल सकते हैं, डी बी बाई डी टी इक्वल टू जीरो है ना, वैसे ही बोल सकते हैं डी सी बाई डी टी इक्वल टू जीरो बोलते रहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम का यही कंडीशन था कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, मतलब डी सी इक्वल टू जीरो, मतलब क्या यहाँ से बोल सकते हैं के वन ए इक्वल टू के टू बी, और यहाँ से क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, के टू बी इक्वल टू व्हाट एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम के वन ए इक्वल टू व्हाट के टू बी इक्वल टू व्हाट के थ्री सी इक्वल टू के फोर डी एंड सो ऑन। तो सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर ए का अमाउंट पता रहेगा, क्या रहेगा, ए का अमाउंट अगर पता है उस टाइम का, तो क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट पर डी का अमाउंट पता चल जाएगा, बी का अमाउंट अगर पता है के टू बी, तो क्या यहाँ पर पता चल जाएगा, तो ए रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट मान लीजिए, अब उसमें सेकेंड जो क्वेश्चन पूछने का जो 99% इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ यूरोडो का क्वेश्चन है, इसमें एक पेज का कैलकुलेशन है, अब बढ़िया से मैं मन लगा के तब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन का भी थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वही आएगा भी, वो आता है कि व्हाट इज द टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स मैक्सिमम, इस पर 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, व्हाट इज द टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बट मेडिकल वाले बच्चे वो टाइम का फॉर्मूला जो मैं दे रहा हूँ उसको रट लीजिएगा। इसको सॉल्व कहाँ करेंगे, रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। तो लिखिए, टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स मैक्सिमम, टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स मैक्सिमम,
सी के लिए नहीं पूछा जाएगा, बी तक ही पूछा जाएगा, वो काफ़ी है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और इसका नाम देते हैं टी मैक्स। टी मैक्स का मतलब टाइम, टाइम का मैक्सिमम वैल्यू नहीं। टी मैक्स क्या इंडिकेट करेगा? दिस इज द टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम। इसका वैल्यू है 2.303 KB - KA। के बी माइनस मतलब के टू के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। के बी स्टैंड फॉर व्हाट? के टू, ठीक है। इसका डिसोसिएशन होने का रेट कांस्टेंट, इसका डिसोसिएशन होने का रेट कांस्टेंट लॉग KB/KA। हाँ मतलब ये एक्चुअली है टू, इस एग्जांपल के लिए 2.0 K2 - K1 लॉग K2/K1। ये रट लीजिएगा आप लोग, बस इसको रट लीजिए अभी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। रट पाएंगे सर? समझ लेते तो अच्छा रहता, मॉडर्न फिजिक्स में समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना? इसको हटाया जाए। अब यहाँ देखिए, ये सेक्शन खत्म। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वैरी कर रहा था? और फर्स्ट ऑर्डर क्या था? 1 - 1 हो गया था। ये किसका था? जीरो का ना। ये किसका था? फर्स्ट ऑर्डर का। और सेकंड ऑर्डर का क्या था? -1 हो गया था, राइट? मतलब 1/C। तो थर्ड ऑर्डर का क्या आता? 2 आता। इसका मतलब है भाई कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लिख सकते हैं, सही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के पावर 1 - n, और n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 0, सी नॉट के पावर 1 0 हो गया, 2 रहेगा तो -1 एंड सो ऑन। तो अब इसमें ऐसे किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सी नॉट वन पे हाफ, इज इट कंपल्सरी कि हर रिएक्शन का हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट फिक्स रहेगा? ये सिर्फ क्वालिटी फर्स्ट ऑर्डर का होता है कि व्हाट वर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ लाइफ सेम 1000 से 500 आने में, और 5 से 2.5 आने में, डिफरेंट टाइम या सेम टाइम, बट बाकी का क्या सेम ऐसा रहेगा? तो सेम टाइम ऐसा दिया जाएगा कि इनिशियल कॉन्सेंट वन, सी नॉट वन है तो उसके लिए हाफ लाइफ 1 है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और सी नॉट टू पे उसी रिएक्शन का हाफ लाइफ 2 दिया रहेगा, और तब आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पूछा जाएगा? तो कुछ नहीं है, सी नॉट 1 - सी नॉट 2 इक्वल टू क्या? सी नॉट 1 - सी नॉट 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? T
टी हाफ वन बाई टी हाफ टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी नॉट वन भाई डिवाइड करेंगे तो पावर सेम है, तो डायरेक्ट उस सबका पावर इतना ले लेंगे। यहाँ तक समझ में आया, करेक्ट है? इसमें रेट कांस्टेंट का रिक्वायरमेंट होगा क्या? सेम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। अब यहाँ के बाद आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सॉल्व हो जाएगा? इतना आसानी से भी नहीं सॉल्व होगा भाई, इतना आसानी से सॉल्व नहीं भी हो सकता है। इसलिए इसे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस 10 क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एन लॉग सी नॉट वन, ऐसे सॉल्व करके निकालना है। इस समझ में आ गया कि लॉग लिए तो 1 माइनस एन बाहर आ जाएगा, इक्वल टू लॉग टी हाफ वन बाय टी हाफ टू, सही है ना? तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एन का वैल्यू बताइए, देखो मैंने सही लिखा, सही है ना? ऐसे निकालिएगा, हाँ इसको अंदर ला सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी से लॉग ए माइनस, तो नहीं रहता कि सर इतना ये सब ये फार्मूला रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। अगर मैं आपके जगह पर रहता तो शॉर्ट रूट सिर्फ ये रखता, उसके बाद अप्लाई योर कॉमन सेंस, ये फार्मूला रटने का है यहाँ तक आकर, या सिर्फ इससे काम चल जाएगा? इसके तो आप दिमाग दौड़ाइए कैसे सॉल्व करना है, आपका कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया, बाकी ये निकालना है तो यहाँ पे केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, कितना फार्मूला रटिएगा, हो जाएगा ना? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे इज इट कंपल्सरी कि एन का वैल्यू ऑलवेज इंटीग्रल आएगा? 2.3 भी तो हो सकता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तो यहाँ से इनका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, इसको हटाया जाए। अब जनरली देख रहे हैं कि बहुत सारा सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, उस टाइम पे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। टी हाफ इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कॉन्स्टेंट इन नीट का ऑब्जेक्टिव, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, नहीं समझ बात को? टी हाफ इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर कॉन्स्टेंट है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या? अब तो बच्चों का गेम हो गया, लेकिन नहीं रहता कि एक क्वेश्चन में तो अचानक से आ जाएगा तो दिमाग फ्रीज हो गया, क्या होगा? कुछ नहीं करना है भाई, के बाई सी नोट हो गया, मतलब k बाई सी नॉट का पावर माइनस वन, इसको कंपेयर किससे कर दीजिएगा, मतलब t हाफ डायरेक्टली प्रोडक्ट सी नॉट का पावर, उसको वहाँ से कंपेयर कर दीजिएगा, तो वहाँ वन माइनस एन का काम कौन कर रहा है, माइनस वन, तो इनका वैल्यू कितना, तो ये सेकंड ऑर्डर का प्रॉपर्टी था। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, एक एग्जांपल के तौर पर रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे भी तो हो सकता है टी हाफ इंटू सी नॉट का स्क्वायर का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट,
अब इसे घुमा घुमा के पूछा जाएगा माहौल बनाकर, टी हाफ इंटू इनिशियल कॉन्स्टेंट सी नॉट का स्क्वायर का प्रोडक्ट आपस में कॉन्स्टेंट। पर इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज किया जाता है, टी हाफ वन सी नॉट वन, टी हाफ टू सी नॉट टू। अगर हाफ लाइफ ए रहेगा तो इनिशियल कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, इसका भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। नहीं यहाँ से थोड़ा ट्रिकी ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये था लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और यहाँ पे जो सीरीज का काम जो किए हैं उसमें केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही चाहिए था, बाकी इसका डिवीजन के लिए दोज हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड तो मुझसे मिलिए रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स में, वहाँ पे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से उसी पर दो चार क्वेश्चन लेंगे। और वो ऑलरेडी रेडोब का एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई नया बात नहीं सिखाने जा रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हैव ए लुक हाइब्रिडाइजेशन। सब लोग टच में है ना ऑप्शन का, तो वहाँ उसका रिक्वायरमेंट होगा। खासकर SP(D2) तो होंगे, SP(3D2) तो होंगे ही, ऑक्टाहेड्रल और TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो सब आप जानते हैं, कोई नया बात नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे जो एकदम टाइप प्रॉब्लम है जो आपका सीनियर है उनसे पूछिएगा, नॉमेक्लेचर लिखने का 4 मार्क्स मिल जाएगा या 2 मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड में, और नीट में 4 मार्क्स। तो नॉमेक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट उसके लिए सबसे पहले मैं एक PDF का 2-3 पेज का शेयर करूँगा, ठीक है? और उस बात को आप लिख कर लाइएगा। कुछ सर्टेन रूल्स है जिसमें कि मैं थोड़ा बोर फील करता हूँ, मुझे लिखवाना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप लिख के आइए और फिर वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा चीज़ें, ठीक है? बट है बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, इसमें टाइम लगेगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा टेस्ट के लिए आप लोग रेडी हैं? वेरी गुड, 2 दिन के अंदर टेस्ट ले लूँगा फिर। आज के लिए इतना ही, दोनों का एक साथ लेंगे भाई, ड्रॉपर और 12 एक ही दिन कंडक्ट कर दूंगा। ये अभी मुझे भी टाइम लगेगा।